हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा T800 अल्ट्रा को कनेक्ट करके। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कनेक्ट कैसे करना है, और मैं आपको पूरे फीचर्स बता दूंगा कि आपको कस्टम वॉच फेस कैसे लगाना है और आपको कॉलिंग व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे गेट करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में नेट, ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है वॉच से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है यहाँ iWatch Pro ऐप के लिए। तो यहाँ मैंने iWatch Pro ऐप सर्च कर लिया है। तो आपको ऐप का आइकॉन कुछ ऐसा देखने मिलेगा, तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लिया था, तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ जाना है iWatch Pro ऐप में, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। उसके बाद आपको लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है। तो आपको होम पेज कुछ ऐसा देखने मिलता है iWatch Pro ऐप का। फिर यहाँ से आपको जाना है सेट पे। तो सेट पे आपको पूरे वॉच की सेटिंग्स मिल जाती है, और यहाँ आपको मोशन सेटिंग्स मिलेगी और माइंड में आपको आपकी प्रोफाइल मिलेगी। तो सेट पे जाने के बाद आपको यहाँ से वॉच को करना है फाइंड। आपको इसको कर देना है अलाउ। तो आप देखोगे तो यहाँ वॉच फाइंड हो रही है। तो यहाँ T800 अल्ट्रा लिख के आ चुका है। तो वॉच कनेक्ट हो रही है। तो आपको चारों ऑप्शन कनेक्ट होने तक वेट करना है। तो पहला ऑप्शन कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ टाइम भी सेट हो चुका है, वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ आप देखोगे तो वॉच का नाम लिख के आ चुका है T800 अल्ट्रा वॉच। यहाँ से आप वॉच को फाइंड कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं। फिर यहाँ से मैं इसको कर दूंगा स्टॉप। तो यहाँ आपको वॉच की पूरी सेटिंग्स देखने मिल जाती है। तो आपको यहाँ सबसे पहले मिलता है राइज टू वेकअप डिस्प्ले, जिसमें अगर आपने फीचर को ऑन कर दिया तो अब वॉच का मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं वॉच को कर दूंगा ऑफ। तो यहाँ मैंने वॉच को कर दिया है ऑफ इसका डिस्प्ले। अब मैं बस इसको बिना बटन को हाथ लगाए वॉच को ऊपर करूँगा। तो आप देखोगे तो बिना बटन हाथ लगाए वॉच का डिस्प्ले ऑन हो चुका है। ये फीचर का नाम है राइज टू वेकअप डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ से आप अलार्म ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप बस ऐड पर क्लिक करोगे तो अलार्म ऐड हो जाता है। यहाँ से आप सेटिंग रिमाइंडर्स ऐड कर सकते हो वॉच में। उसके बाद यहाँ से आपको एक रिमोट सेटर नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि अगर आपने वॉच में क्लिक किया तो यहाँ फोटो क्लिक हो जाती है और यहाँ सेव हो जाती है फोटो। तो आप ऐसी वॉच के थ्रू फोटोज क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे गेट करने। तो आपको मैसेज पुश नाम के फीचर में जाना है। तो यहाँ आपको सारे मैसेजेस के ऐप्स दिखेंगे। व्हाट्सएप आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाके, नोटिफिकेशन एक्सेस में जाके ऐप को एक्सेस देनी पड़ती है, उसके बाद व्हाट्सएप जो है वो ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ से फीचर को ऑन कर सकते हो। और गाइज, मैंने ये वॉच पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी, प्लीज़ मेरा चैनल विजिट करना। फिर यहाँ आपको कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो वॉच में आप पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। ऐड के ऑप्शन में आप नाम और नंबर भी डाल सकते हो कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए। और गाइज, आपको कॉलिंग करने के लिए ब्लूटूथ से वॉच को कनेक्ट करना ज़रूरी है, तो ही कॉलिंग हो पाएगी। तो कॉलिंग के लिए आपको ये एक सेटिंग का ध्यान रखना है कि आपको ब्लूटूथ से वॉच को पेयर करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ डायल सेटिंग्स। तो डायल सेटिंग्स ऑनलाइन लोड होती है। तो आपको अपने फ़ोन में नेट ऑन रखना ज़रूरी है, तो ही डायल सेटिंग्स लोड हो पाती हैं। आपको अलग अलग कैटेगरीज के वॉलपेपर देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे हॉलीडे डायल, कार्टून डायल, यहाँ अलग अलग टाइप के डायल है। और मैं आपको आपकी खुद की फोटो भी लगा के दिखा दूंगा, जिसको बोलते हैं कस्टम वॉच फेस। तो यहाँ से मैं आपको कोई एक फोटो सेट करके दिखा देता हूँ। तो आप कोई भी डायल से फोटो सेट कर सकते हो। तो मैं आपको ये वाली फोटो सेट करके दिखा दूंगा। आपको बस उस पर फोटो पे क्लिक करना है। अभी फोटो डाउनलोड हो रही है, गॉट इट पे क्लिक करना है। जैसे ही गॉट इट पे क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। पर आपको इसके लिए एक और बात का ध्यान रखना है कि जब वॉच में फोटो डाउनलोड हो रही है तो वॉच को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, और फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि फोटो सेट हो चुकी है। यहाँ वॉच वापस रिस्टार्ट होती है और यहाँ आपको फोटो देखने मिल जाती है। तो आप ऐसी कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ अलग अलग डायल के काफ़ी अच्छे वॉच फेसेस हैं। फिर आपको लास्ट डायल पे आना है, जिसका नाम है कस्टम डायल। अब कस्टम डायल में आपको जाने के बाद यहाँ आपको अलग अलग टाइप के वॉलपेपर्स देखने मिलेंगे। तो आपको कोई भी रैंडम एक वॉलपेपर पर क्लिक कर लेना है।
कोई भी वॉलपेपर, मैटर नहीं करता हो कोई भी हो, फिर आपको सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट इमेज का, आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी एक फोटो सेट कर सकते हो गैलरी से। तो मैंने ये वाली फोटो ली है, मैं इसको सेट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ आपको वॉच लगाने का ऑप्शन मिलता है कि आपको कहाँ लगाना है। जैसे कि अब जैसे ही मैं वो कस्टम वॉच फेस लगाऊंगा तो यहाँ क्लॉक क्लॉक का ऑप्शन आएगा। तो आपको अपर राइट में लगानी है, अपर लेफ्ट में लगानी है, या बॉटम राइट में लगानी है, बॉटम लेफ्ट में लगानी है। तो मैं इसको अपर राइट में रखूंगा और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। तो अब कस्टम वॉच फेस भी इंस्टॉल हो रहा है। तो आप ऐसी कोई भी फोटो इंस्टॉल कर सकते हो, आपको बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है, गॉट इट पे क्लिक करना है और ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ फोटो सेट हो चुकी है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ फोटो फुल HD में सेट हुई है। तो आप ऐसी अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो, आपको जो भी फोटो लगानी है आप लगा सकते हो वॉच में। तो गाइज ऐसे आप कस्टम डायल लगा सकते हो, यहाँ से वॉच को रीसेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अदर सेटिंग्स में आप वाइब्रेशन ऑन या ऑफ कर सकते हो, आपको ऊपर वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको OTA अपग्रेड मिलता है, बैकग्राउंड सेटिंग्स मिल जाती है, मोशन में आप जैसे ही ऑन करते हो मैप खुल जाता है, आप मैप देख सकते हो अपनी सिटी का, माइंड मैप को आपकी प्रोफाइल दिखती है। तो गाइज ये थे पूरे फीचर कि आप T800 अल्ट्रा वॉच को अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करोगे। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।